हे फ्रेंड्स, अभी हम हैं गल्फ़ूर 2024 दुबई में और मेरे साथ है गोविंद मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर मिस्टर सत्यजीत नायक. सर, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच सर. सबसे पहले तो आप कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी में काम करते हैं और आप कौन से रीजन में काम करते हैं इंडिया के अंदर? जी, तो हम मिल्क इंडस्ट्री में है, डेयरी मैन्युफैक्चरर्स है. हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मुंबई से 200 किलोमीटर दूरी पर एक फल्टन तालुका वहाँ पे है. ओके. और हम 1995 से ये कंपनी रन कर रहे हैं जी. ओके सर, मैं ये जान सकता हूँ कि अभी मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ ना, ये आपका कुछ मिल्क पैकेजिंग? जी, हमारा UHT लॉन्ग शेल्फ लाइफ मिल्क और फ्रेश क्रीम का जो आप देख रहे हो फोटो है. ओके, इट इज़ ओनली मिल्क, फ्रेश मिल्क, और उसके अंदर कैटेगरी भी है आपके प्रोडक्ट में? जी बिल्कुल, हमारे पास फ्रेश मिल्क है, हमारे पास लिक्विड लिक्विड योगर्ट ड्रिंक्स है. हाँ. जैसे कि हमारे यहाँ लस्सी है, बटर मिल्क है, और उसके साथ फ्लेवर्ड मिल्क और मिल्क शेक्स कैटेगरी में भी हम डील करते हैं और दुबई में भी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे. अच्छा, ऑलरेडी दुबई में आपका एक्सपोर्ट है? जी, हम एक्चुअली 5 साल से गल्फ़ूर में भी हम हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसके बाद मैं पॉजिटिवली कह सकता हूँ कि पहले गल्फ़ूर से लेकर आज तक जो हमने संबंध यहाँ बनाए, रिलेशनशिप्स मार्केट में यहाँ बनाए, उसके वजह से हम आज कई 200 सुपरमार्केट से ज़्यादा में हमारा गोविंद घी जो है हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट. हाँ. वो अवेलेबल है, और बाकी प्रोडक्ट्स भी अब हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. आपने बोला गोविंद घी, जो कि आप यहाँ पे 200 से ज़्यादा सुपरमार्केट्स के थ्रू उनको बेच रहे हैं? जी. अच्छा, और सर आप कितने मार्केट के अंदर राइट नाउ एक्सपोर्ट कर रहे हैं? ओनली दुबई, UAE और इसके अलावा गल्फ कंट्री में कहीं पे? जी, गल्फ कंट्री में भी है, पर प्रेडोमिनेंटली हमारे स्ट्रेंथ अभी तो UAE में है. Okay. और उसके अलावा हम बहरीन में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कतार में कर रहे हैं, और हमारे पास कोई जो हमारे बाकी प्रोडक्ट्स है जैसे मिल्क पाउडर, बटर, उसका भी एक्सपोर्ट धीरे धीरे मतलब आप पुश कर रहे हैं? जी, पुश कर रहे हैं, और उसका एक्सपोर्ट बाकी कंट्रीज में भी होता है, गल्फ और एशिया छोड़ के भी होता है. ओके, तो आप टोटल कितने कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं अभी? जी, रेगुलर एक्सपोर्ट हमारा अराउंड 7 to 8 कंट्रीज में होता है. oh, wow, और अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट जो हम कहते हैं, कभी हमारा मिल्क प्राइस अगर कमोडिटी वाइज फेवरेबल है इंडिया में, तो ज़्यादा एक्सपोर्ट ही कर सकते हैं. बिल्कुल सर, एक दूसरी बात ये पूछना चाहूँगा, आपकी कंपनी का स्टार्टअप कौन से ईयर में हुआ था? कंपनी का स्टार्ट 1995 में मेरे फादर संदीप राजे नाइक निंबाळकर ने किया था. ओके, एंड तब से लेके अभी तक आप तकरीबन 7 से 8 कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं. जी. आपका इंडिया के अंदर ऑलरेडी लोकल मार्केट है, एंड नाउ यू आर मूविंग फर्दर विद अनदर मार्केट्स आल्सो. दैट्स राइट. अच्छा सर, गल्फ फूड को लेके आपका एक्सपीरियंस आपने मुझे बताया कि पिछले 5 सालों से ये ऑलरेडी गल्फ फूड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बिकॉज ऑफ द गल्फ फूड आपने दुबई के मार्केट में एंट्री की, और उसके साथ साथ कतार और बहरीन जैसे मार्केट में भी आपने अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाया. जी जी, क्योंकि आप अगर किसी भी इंडियंस को इसके बारे में रिव्यू देना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे, खासतौर पर जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर ऑलरेडी काम करते हैं और जो मानते हैं कि फॉरेन कंट्रीज हमारे लिए आने वाले टाइम में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं या तो आ सकते हैं, तो ऐसे केस में आपका क्या व्यू होगा इसको लेके? जी बिल्कुल, तो गल्फ फूड जैसे कि आप भी जानते हो, ये सिर्फ UAE या दुबई के लिमिटेड अभी नहीं है, इट इज़ अ ग्लोबल ट्रेड शो, एंड जो स्पिल ओवर है गल्फ फूड का वो पूरे GCC या पूरे गल्फ कंट्रीज एशिया में भी होता है. बिल्कुल, तो हमारा जब पहले गल्फ फूड में हमने पार्टिसिपेट करना चालू किया तो हमारा इंटेंशन था कि हम दुबई में थोड़ा मार्केट एस्टेब्लिश कर सकें, पर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ खुद यहाँ पार्टिसिपेट करने के बाद खुद से आने लगी कि आप बहरीन में आपका प्रोडक्ट अवेलेबल कीजिए, आप कतार में भी इसके लिए अच्छा डिमांड हो सकता है. सो दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, बट दैट इज़ अ फैक्ट इन फैक्ट. और जैसा मैं अभी डेयरी इंडस्ट्री में हूँ, तो हमारा आफ्टर ऑल इट्स अ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, एंड आप मेरा तो यही मानना है कि अगर हमें इंडिया का एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बढ़ाना है तो नए मार्केट्स भी डेवलप करने चाहिए. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर, दिस इज द टुडेज रिक्वायरमेंट कि वी हैव टू गो विद द इंटरनेशनल मार्केट्स. राइट, सो फॉर डेयरी एटलीस्ट द अपॉर्चुनिटीज आर गुड. फॉर अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, हमारे सिस्टर कंपनी है कुरोली फूड, तो उनके तरफ से हम फ्रोजन वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं. Super. और वो कंपनी 90% उसका एक्सपोर्ट ही होता है, इट्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट.
So in my view, at least I think there is a lot of potential for Indian food manufacturers especially. Sir, एक छोटा सा सवाल लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा कि अगर कोई entrepreneur न्यूली इस कैटेगरी में एंटर होता है या तो ये इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होना चाहते हैं फूड को लेके, तो आपके क्या सजेशन होंगे, किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए हमें ताकि हम प्रॉपरली मार्केट को पिच करके एंटर कर पाए? जी बिल्कुल, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज क्वालिटी. एब्सोल्युटली. अभी पहले ऐसा थोड़ा माइंडसेट था बाहर, जब हम इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो इंडियन प्रोडक्ट तो थोड़ा कम क्वालिटी का समझा जाता था, वो अभी ऐसा नहीं है. बिल्कुल. क्योंकि हम नहीं बट हमारे जैसे बाकी जो मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा, तो आई थिंक वी हैव टू थैंक देम दैट दे हैव यू नो एलिवेटेड द इंडियन प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट. आप पैकेजिंग में देखिए इंडियन प्रोडक्ट्स का कितना इंप्रूवमेंट हुआ है. एब्सोल्युटली. सो दीज आर आई थिंक बेसिक थिंग्स दैट क्वालिटी, पैकेजिंग क्वालिटी. ऑल्सो आप मार्केट में अगर जितना डीप जाते हो, गहराई में जाते हो, जितना संबंध बढ़ाते हो, तो आपको अच्छे लोग भी मिल जाते हैं. एब्सोल्युटली. आई थिंक दीज आर द थ्री बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर मी, क्वालिटी एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग इन द मार्केट. तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि सत्यजीत भाई का ये कहना है क्लियरली कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में आप अपने फूड प्रोडक्ट को लेके आते हो तो उसका पैकेजिंग और क्वालिटी में खास ध्यान दो, और उसके साथ साथ जो भी पर्सनल रिलेशंस आपके मार्केट के अंदर डीपर उतर के जो बनते हैं, इनसे आपका आने वाले टाइम के अंदर और भी ज़्यादा गहरा मार्केट व्यू हो सकता है या तो मार्केट रिव्यू मिल सकता है, और इसके थ्रू आप मार्केट के अंदर एंटर हो सकते हो. सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड रियली बहुत मज़ा आया. डेफिनेटली मैं विश करता हूँ कि आप आगे भी बहुत सारे मार्केट में एंटर हों और इंडियन प्रोडक्ट्स को दुनिया भर के अंदर पहुँचाएं. थैंक यू सो मच सर वंस अगेन फॉर योर टाइम. थैंक यू वेरी मच.